प्यारे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में अपन करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 7.1, 7.2, 7.3। इससे पहले अपन ने किसी धारावाही चालक तार के कारण, किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिया था, तो वो आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर अपन ने एक परिमित लंबाई का चालक तार लिया था जिसकी लंबाई अपने को पता थी, मान लो लंबाई एल है, इसकी लंबाई फिक्स है, मेजरेबल, इसको माप सकते हैं, यानी परिमित लंबाई का फाइनाइट लेंथ का अगर वायर लिया था, अगर इसमें करंट आई बह रहा था और ये दूरी अपने लंबवत दूरी ए मानी थी और इस सिरे से बना हुआ ये वाला कोण अपन ने फाई टू माना था और ये कोण अपन ने क्या माना था, फाई वन माना था, और ये सिरा एक्स और ये सिरा वाई। तो इस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आया था उसका मान था बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये फॉर्मूला आपको याद है। फिर अपन ने किया था कि किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण, अनंत लंबाई, लंबाई कितनी हो, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस तार से लंबवत दूरी a पर, तो इसका फॉर्मूला अपन ने क्या किया था, इस केस में अपन ने इस फाइव वन, फाइव टू और फाइव वन दोनों कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, फाइव वन और फाइव टू दोनों कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। तो इस केस में बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आया था वो क्या किया था अपने, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाइव वन भी 90 एंड साइन 90, साइन 90, साइन 90, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो फॉर्मूला आएगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई a। तो एक फॉर्मूला ये किसके लिए, यह अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और यह है परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, म्यू नोट आई 4 पाई a इंटू में साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, फाइव वन ये वाला कोण है, फाइव टू ये वाला कोण है, आई इसमें बहने वाली धारा है और ए ये वाली दूरी है, इसलिए ओपी जो दूरी है उसको अपन ने ए बोल रखा है। इस केस में फॉर्मूला ये होगा, अनंत लंबाई केस में फॉर्मूला ये होगा, बाकी इसके और भी केसेस हम डिस्कस कर रहे थे लेकिन मेन दोनों यही यहाँ पे आज काम आने वाले हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 7.1 करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा हल्का सा सीधा सवाल करवाता हूँ, छोटा सवाल, एग्जाम्पल नंबर 7.1 ये आपको फॉर्मूले में याद है तो ये तो मैंने आपको रिवाइज करवाया। चलिए आगे, तो एग्जाम्पल नंबर 7.1 करने से पहले एक आप सवाल लिखिए जो मैं आपको दे रहा हूँ और वो करवाने के बाद मैं आपको करूंगा एग्जाम्पल नंबर 7.1। तो सवाल क्या है सुनिए, इधर एक तार है, सवाल, ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 7.1 करने से पहले एक सवाल कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये भी करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि आपके पास एक तार है ठीक है जिसमें जिसकी लंबाई मानो जो भी है लंबाई, और इसमें करंट बह रहा है, मान लो इसमें 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, इसमें जो करंट है कितना बह रहा है 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, और इससे लंबवत दूरी यहां से कोई 5 मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, 5 मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है और यहाँ से इसका कोण बन रहा है, मान लो ये कोण बन रहा है 60 डिग्री और मान लो ये कोण बन रहा है कितना 30 डिग्री, ठीक है कोण बन रहा है ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये दूरी आपको दे रखी 5 मीटर और इस तार में ये कोई तार है एक्स वाई जिसमें 10 एम्पीयर का करंट एक्स से वाई से जैसे बह रहा है, तो बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। समझ में आ गया सवाल, शब्दों में लिखा होगा कि एक तार है जिसमें 10 एम्पीयर की धारा एक्स सिरे से वाई सिरे तक बह रही है, इस तार से 5 मीटर लंबवत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तार के सिरों द्वारा बिंदु पी पर बनाए गए कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है, या डायग्राम बना के दे देगा, या तो शब्दों में लिख देगा या डायग्राम बना के दे देगा। तो देखिए सवाल क्लियर, समझ में आ गया कि एक तार है जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, इससे 5 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान भी निकालना है और दिशा भी बतानी है, ठीक है दिशा भी बतानी है और मान भी निकालना है। तो देखिए आप जानते हो एक तरह से ये क्या बन गया, परिमित लंबाई का चालक तार है, तो किसी परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला आप जानते होता है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a इंटू में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये होता है। अब सारी बातें यहाँ दे रखी, देखिए आई का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 10 एम्पियर, ए का मान यहाँ दे रखा है 5 मीटर, फाइव वन क्या दे रखा है 30 डिग्री, ये नीचे वाला कोण को अपने फाइव वन बोल देते हैं
और ऊपर वाले को अपन फाई टू बोल देते हैं, और फाई टू का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री, सारे मान रख दीजिए। तो बी बराबर, ये परिणाम निकाल रहे, दिशा भी निकाल लेंगे भी, म्यू नोट आई का मान कितना है, आई का मान 10 है, नीचे 4 पाई, ए का मान कितना है, ए का मान 5 दिया है, इनटू में साइन फाई वन कितना है, साइन 30 डिग्री, और आगे प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो देखिए आप म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मान आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मान 10^-7 न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर, ठीक है, इसका मान होता है। तो क्या करते हैं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई को 10^-7 लिख देते हैं, 5 से 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, इंटू आगे आते हैं साइन 30, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, फिर आगे आते हैं साइन 60, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो अब इसको हल कर लो, यहाँ 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए 10, ये 2 बाहर तो बन रहा है 2 × 10^-7, और अंदर क्या बनेगा, 1 + √3/2, इस 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3+1, ये बचेगा ना √3+1, ये बचेगा ना √3+1, इंटू में क्या आएगा, इंटू में ये बाहर 10^-7, और यहाँ मात्रा क्या आएगा, टेस्ला, टेस्ला होता है इसका मात्रक, टेस्ला या न्यूटन, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है जिसको हम टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिखा टेस्ला, ये इसका ऐसा ही मात्रक है। अब आप √3 का अगर मान रख दोगे तो √3 कितना होता है, 1.732+1 इंटू में 10^-7, तो ये हो जाएगा 2.732 इंटू 10^-7 टेस्ला। अब बात आती है कि दिशा, भाई चुंबक के क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसकी दिशा भी होगी, तो कहाँ होगी, तो दिशा निकालना, दाया हाथ उठा लीजिए, दाया हाथ उठा लीजिए, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, समझ आ रहा ना, अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र, बोलो कहाँ जा रही अंगुलियां, अंदर, दिशा कहाँ है जी, अंदर की ओर, और अंदर की ओर लिखने का आप शॉर्टकट जानते हो, क्रोस, क्रोस का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है, और डॉट का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर है, तो इसका हो गया आंसर। देखा सही, अगर परिणाम पूछे तो 2.72 इंटू 10^-टेस्ला, दिशा की बात करें तो लंबवत अंदर की ओर है, इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं, लंबवत अंदर की ओर, और क्रॉस अपने आप एक्सप्लेन कर रहा है कि लंबवत अंदर की ओर, ये क्रॉस चिन्ह है, संकेत है, ये चुंबक क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर, कहीं पे क्रॉस बन रहा है उसका मतलब वो चीज अंदर की ओर, वो धारा भी हो सकती है, करंट भी हो सकता है, कई बार जैसा ये कोई तार है ऐसे और कोई दूसरा तार है ऐसे, डॉट मतलब तार बाहर आ रहा है, क्रॉस मतलब तार अंदर जा रहा है, क्लियर है, तो क्रॉस का मतलब है लंबवत अंदर की ओर, और डॉट का मतलब है लंबवत बाहर की ओर, और यहाँ चुंबक के स्तर समझिए कि यहाँ इसका मतलब है कि चुंबक के क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है क्रॉस, और डॉट मतलब चुंबक के क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर है। ये सवाल आपने कर लिया, अब बस ये सवाल कुछ भी नहीं, इसमें 4 तार है, 1, 2, 3 और 4, चारों को जोड़ लेंगे, इसलिए सवाल करवाया मैंने आपको, तो 1 तार से निकालना आ गया, ये सवाल आप नोट कर लीजिए। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 7.1 पे, तो 7.1 कुछ भी नहीं, उसमें एक वर्ग बोल दिया, तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4, और उन चारों भुजाओं को अपन क्या मानेंगे, 4 तार मान लेंगे, 4 वायर्स अज्यूम कर लेंगे। तो आप यहाँ तक ये तो नोट करना, तो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्लियर। चलिए अब 7.1 पढ़ लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, अब एग्जाम्पल नंबर 7.1 पढ़ लीजिए। पढ़ लिया तो सुनिए, मैं भी पढ़ देता हूँ एक बार। एग्जाम्पल नंबर 7.1 ये है कि एक ए भुजा वाले वर्गाकार धारावाहिक फ्रेम, ये कोई फ्रेम बना दिया अपन ने, फ्रेम बना लिया ना, धारावाहिक फ्रेम ए बी सी डी के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए जबकि फ्रेम में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही। अब इन्होंने धारा ऐसे शब्दों में नहीं बोला, डायग्राम बना के दे दिया दिशा, ये करंट है, इसमें आई करंट बह रहा है ऐसे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से आई, तो अपने को इस वर्गाकार फ्रेम के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर क्या होगा, ये अपने को बताना है। इस वर्गाकार फ्रेम के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो देखिए अपन एक इसको पहला तार मान ले, इसको क्या मान ले अपन, तार, चलो यहाँ से डायग्राम यहाँ बनाए, तो ये अपन तार एक मान लेते हैं,
ये अपन तार दो मान लेते हैं, ये अपन तार तीन मान लेते हैं, ये अपन तार चार मान लेते हैं। तो इसकी वजह से निकाल लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा, इसकी वजह से निकाल लेते कितना आएगा, इसकी वजह से निकाल लेते कितना आएगा, इसकी वजह से निकाल लेते कितना आएगा, और सारे जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि तीनों की दिशा सेम है, तीनों की दिशा सेम है। कैसे पता चला? दायां उठा लीजिए, दायां हाथ उठाइए, दिशा सबकी सेम है, कहाँ है अंदर या बाहर देख लीजिए। अंगूठा धारा की दिशा में मुड़ी हुई अंगुलिया वो बिंदु जहां पर आपको चुंबक क्षेत्र निकालना है। तो अंगूठा देखो धारा की दिशा में अंगुलिया कहाँ जा रही है? अंदर। तो इस तार की वजह से चुंबक क्षेत्र कहाँ है? अंदर की ओर। ऊपर वाला देखिए, अंगूठा धारा की दिशा में, कर लोगे ना, मेरा ऊपर में यहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। अंगूठा धारा की दिशा में तो मुड़ी हुई अंगुलिया कहाँ जाएगी? अंदर। जा रही नहीं जा रही? अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में देख लीजिए, अंगूठा ये तार है, देखो ये तार, ये वाला तार मैं यहाँ बना रहा हूँ। अंगूठा धारा की दिशा में तो मुड़ी अंगुलिया कहाँ जा रही है? अंदर। तो इस तार की वजह से भी चुंबक क्षेत्र कहाँ है? अंदर क्यों? चलिए इसकी वजह से आ जाइए। तो ये रहा तार, अंगूठा धारा की दिशा में मुड़ी हुई अंगुलिया किसको बताएगी? चुंबक क्षेत्र। बोलो कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, तो इसकी वजह से भी अंदर है। चलो इस पर आ जाइए, इस तार पे, डीए पे। तो देखिए अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंगूठा धारा की दिशा में रखना है, तो मुड़ी हुई अंगुलिया किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। बोलो कहाँ जा रहा है? अंदर। यानी तीनों चारों तारों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में यानी जुड़ जाएगा, एक ही दिशा में जुड़ जाएगा ना, विपरीत तो घटा लेते हैं, तो यहाँ तो सभी एक ही दिशा में तो निकाल लेते हैं और सबको जोड़ लेते हैं। तो एक का निकाल लेते हैं और एक का निकाले तारों का बराबर होगा, जो इसकी वजह से होगा वही इसकी वजह से होगा, वो इसकी वजह से और वही इसकी वजह से। कैसे होगा? अब देखिए, तो अपन क्या करते हैं, इस तार एक के कारण मैं बोल देता हूँ, तार इसको बोले एक ना बोल के तार बी सी के कारण बोल दे, तार बी सी के कारण, तार बी सी के कारण, भाई इसमें डायग्राम में बी सी दिया है, तो तार बी सी के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र को मैं बी वन बोल दू, क्या बोल दू? बी वन बोल देता हूँ। तो देखिए इसमें करंट आपको पता है, आपको क्या चाहिए? लंबवत दूरी ए सी, ये वाली दूरी आपको चाहिए होगी, ये दूरी आपको चाहिए होगी भाई, ये दूरी आपको चाहिए, ए दूरी चाहिए। तो ए का मान क्या होगा? अगर इसकी भुजा ए है, इसकी ये पूरी भुजा ए है, तो ये कितना होगा? ए बाई टू होगा, यानी यहां से लेके यहां तक ये ए बटा दो होगा। कोई परेशानी इसमें तो आधा होगा कि नहीं होगा? ये ए बाई टू होगा। अगर ये ए बाई टू है, ये भी ए बाई टू है, या ऐसा समझ लीजिए कौन कितना होगा 90, तो ये कितना होगा 45, तो ये कितना होगा 45। क्लियर है? ये 90 डिग्री होगा, लंबा दूरी रहते थे 90, ये भाई ये क्या होगा इसका समझ बात रखे, ये पूरा 90 होता है, तो ये 45, 90, 45, तो ये कितना बचेगा 45, भाई त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोण 180, तो 45 सेम, ये भी कितना आएगा 45। तो कौन समझ आ गया कौन कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो आपको कौन पता चल गया? दिशा आपको करंट पता है और दूरी पता है। तो देखिए बी वन क्या होगा? तो बी बराबर क्या होता है? म्यू नोट आई अपॉन 4πa इंटू में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो देखिए म्यू नोट आई तो आई है, 4π कांस्टेंट है, लेकिन a क्या हो गया? a ये दूरी होती है और ये किसके बराबर? इस बार a बटा दो के बराबर है, इंटू में साइन फाई वन। साइन फाई वन कितना? फाई वन और फाई टू दोनों बराबर है, यहाँ पे फाई वन और फाई टू दोनों बराबर है, कितना 45 और 45, तो साइन 45 प्लस साइन 45। कोई परेशानी यहाँ 4π कौन काटना होता, 4π रख लो, क्योंकि म्यू नोट अपन 4π 10^-7 होता है। तो देखिए यहाँ पे दो जाएगा ऊपर, जाएगा नहीं जाएगा? तो दो 2 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4π साइन 45 प्लस साइन 45 इंटू 2 साइन 45। कोई परेशानी, साइन 45 का मान रख दीजिए, साइन 45 का मान रख दो, तो क्या आएगा? देखिए बी वन, इसको बी वन बोल दीजिए, बी वन पहले तार की वजह से बी वन। तो म्यू नॉट क्या? देखो 2 × 4, तो 4 म्यू नॉट आई अपॉन नीचे क्या आएगा 4πa, यहाँ पे a भी तो रहेगा ना, a बाई टू का a, 4πa और यहाँ पे 4πa इंटू में 2 को इसे गुणा कर दिया, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2, ये a की वजह से आ गया। और कहाँ है ये? अंदर की ओर है, ये कहाँ है वैसे? अंदर की ओर है। चलिए अब देखिए
अब अगर आप इसकी वजह से निकालोगे तो कौन कौन सा बनाओगे, ये बनाओगे, ये बनाओगे ना, ये दूरी कितनी होगी वापस ए बाई टू, ये कितना होगा 45, ये कितना होगा 45, और वो भी इसकी वजह से भी कितना आएगा, यानी तार दो की वजह से भी ये आएगा। सिमिलरली अगर तार तीन से आप निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, इसको आप ज्वाइन करते हैं और यहाँ से ये दूरी लेते हैं, तो ये कितनी ए बाई टू, ये कितना 45, ये कितना 45। सिमिलरली इसकी वजह से निकालते हैं तो ये दूरी लेते हैं कितनी ए बाई टू, ये कितना है 45, ये कितना है 45। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सभी की वजह से बराबर होगा, सभी की वजह से बराबर होगा, क्योंकि कोण बराबर है और ये दूरी भी बराबर है। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4, और वो किसके बराबर है, वो बराबर इसके 4μ0I/4π है, काटेंगे नहीं बाद में काटेंगे इस साथ, इंटू में 1/√2, 1/√2। तो बिंदु वर्ग के केंद्र O पर या बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, उसको बी नेट बोल देते, वो क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, सारे बराबर, सारे क्या है बराबर, इसको थोड़ी देर के लिए B मान लो, थोड़ी देर के लिए क्या मान लो B, तो क्या बन जाएगा, देखिए B1 भी B है, B2 भी B है, B3 भी B है, B4 भी B है, सारे बराबर है, उसको मैंने सबको बराबर को B मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या आ गया 4B, और B का मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसको आप ऐसा करो, पहले B मान के ऐसा कर लो कि ये सब B के बराबर है, और B की खुद किसके बराबर हो गया, हो जाएगा 4μ0I/4πa इंटू में 1/√2। कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो 4 × B, B का मान कितना है 4μ0I/4πa इंटू में 1/√2, इंटू में 1/√2। और बोलो कहाँ होगा ये, दिशा सबकी कहाँ जा रही थी, अंदर दिखाया था, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर। तो इसके लिए अपन क्या बनाते हैं, ये तीन क्रॉस, क्या बनाते हैं क्रॉस। अब इसको हल कर लो, बुक में हल किया वैसे, या चाहे तो अपने आई और ए के टर्म्स यहाँ से भी छोड़ सकते थे, लेकिन हल करते हैं। देखो 4 कितना होगा 16 इंटू में μ0/4π की वैल्यू, μ0/4π की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ N/A², तो यहाँ पे आपने लिखा 10⁻⁷, ये हो गया। फिर क्या बच गया, ऊपर तो बच गया आई, नीचे बच गया ए इंटू में √2, इंटू में कितना आएगा √2, तो इस √2 को उठाना, तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा 16, समझ गए ना, इसको आप ऐसा भी कर सकते, कैसा सिंपल अपन बोले तो 4 × 4 और 4 को 2 × 2√2, कैसे लिख सकते, 4 को 2 × √2 × √2 कर सकते थे, कर लो, √2 से √2 चला जाएगा, तो 4 ये आएगा, कितना आएगा, √2 से √2 गया, 8√2, 8 समझ में आया कि नहीं, 8 × 2 इंटू 10⁻⁷ I/A और टी फोर टेस्ला, ये आगे दिशा की बात, बी नेट, ये हो गया इसका परिणाम, इसका क्या हो गया परिणाम। अगर दिशा पूछता तो कहाँ होगी, वो अंदर की ओर होगी, दिशा पूछता तो कहाँ आएगी, अंदर की ओर। बुक में फाइनली ये सोल्व कर है, इसमें इसका आपके सोल्व भी एक बार बुक से मैच कर, कितना की है 8√2 × 10⁻⁷ I/A और टी फोर टेस्ला, क्योंकि टेस्ला क्या होता है, चुंबक क्षेत्र का ऐसा ही मत, हालांकि बुक में दिशा नहीं पूछी थी, बुक में ये नहीं लिख रखा है, अगर दिशा पूछ लेता तो वो कहाँ है, अंदर की ओर है। ये लो आई बात समझ, मैंने यहाँ पे क्रॉस बुक में नहीं बनाया, उन्होंने केवल परिणाम पूछा है, तो परिणाम तो यही था, ये दिशा ला बता दी, क्रॉस मतलब अंदर की ओर है। तो आई होप आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्लियर। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल नंबर 7.2 पढ़ लीजिए, क्लियर। चलिए इसको मैं यहां से डाल रहा हूं, ओके। एग्जाम्पल नंबर 7.2 देखिए, इन्होंने बोला है कि
चित्र में प्रदर्शित दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारों के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबक के क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसमें दो सवाल एक तरह से, तो दूसरे 7 पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 7.2 का ए फर्स्ट इसका। तो पहले में क्या रखा है कि दो अपने पास अनंत लंबाई के चालक तार, पहला तार में रखा है कि ये अनंत लंबाई का चालक तार है, ऐसे अनंत लंबाई का चालक तार है और इसमें जो करंट बह रहा है वो I2 है और एक चालक तार आपके पास ये है, कितनी लंबाई का, अनंत लंबाई का, ऐसे क्रॉस नहीं करे यानी एक दूसरे स्पर्श नहीं करे, समझिए ऐसे ऊपर जा रहा है ऊपर से, और ये भी अनंत लंबाई का, लंबाई कितनी इसकी अनंत, इसकी भी कितनी है अनंत, इसको उन्होंने तार नंबर 1 बोला है, इसको उन्होंने तार नंबर 2 बोला है और यहाँ पे बोला है कि बिंदु P, ये कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है P, इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है और इस बिंदु की इस तार से दूरी A है और इस तार से दूरी भी A, ऐसा उन्होंने बोल रखा है, और इस तार में जो करंट है वो I1 बह रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, I1 ऊपर की ओर जा रहा है, देखो डायग्राम देखिए, और इसमें जो I2 है वो इधर जा रहा है, ये आपको करंट की दिशा भी बता रही है। तो आपको क्या बताना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है दोनों तारों की वजह से। तो देखिए तार एक की वजह से यहाँ निकाल लेते हैं बिंदु P पर, तार दो की वजह से निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं या गठा लेते हैं, दिशा वो दिशा भी डिपेंड करेगा कि गठा एक ही जोड़े। तो देखिए पहले हम दिशा चेक कर लेते हैं, तो तार एक के कारण, तार एक ये रहा तार एक, तार एक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बोलो कहाँ होगा, तो कैसे निकालते हैं, दाएं हाथ को उठा लीजिए, अंगूठा धारा की दिशा में रखो, तो मुड़ी अंगुलिया किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को। तो देखिए अंगूठा धारा की दिशा में तो अंगुलिया कहाँ जा रही है, अंदर, यानी इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से अंदर है। दूसरे के लिए अंगूठा धारा की दिशा में मुड़ी उंगुलिया किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र बोलो कहाँ जा रहा है, अंदर, यानी दोनों की वजह से एक ही दिशा में, यानी दोनों को जोड़ सकते हैं, क्लियर, जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, तार निकाल लेते हैं दोनों को, दोनों को जोड़ देते हैं, तो तार एक के कारण, तार एक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को अपन क्या बोल देते हैं, B1 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, B1, परिणाम निकाल रहे अपन, तो B1 बोलो क्या होगा। अब ये तार कौन सा है, अनंत लंबाई का, तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार से, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार से उससे a दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आता है, म्यू नोट आई अपॉन 2πa, बोलो फॉर्मूला याद है, म्यू नोट आई अपॉन 2πa, ये अनंत लंबाई का तार है तो इसकी वजह से B1 क्या आएगा, म्यू नोट आई, इसका आई इसका लेंगे, इसमें करंट कितना दिया है, I1 दिया है अपॉन नीचे 2πa, दूरी उन्होंने a दी है तो 2πa, बोलो कहाँ होगा ये, अंदर की ओर होगा, तो यहाँ क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, क्रॉस, क्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है, क्लियर। चलिए अब तार दो की वजह से निकाल लेते हैं, तार दो के कारण, तार दो के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो तार दो है, चुंबकीय क्षेत्र को B से दिखाते हैं, तो दूसरे के लिए इसको अपन क्या लिख दें, B2 लिख देते हैं, B2 लिख दिया, तो B2 का मान भी क्या आएगा, देखिए म्यू नोट I, I तार में बहने वाली धारा जिसका मान कितना दिया है I2, तो म्यू नोट I2 अपॉन नीचे क्या आएगा 2π इंटू दूरी, दूरी इसकी भी क्या दी है, ए दी है, इस तार से, इस तार दो से बिंदु P की लंबवत दूरी कितनी है a, तो यहाँ पे क्या रखेंगे a, दिशा की बात करें तो अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी अंगुलिया किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, और इसको लिखने का शॉर्ट में क्या होता है, क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या होता है, अंदर, डॉट मतलब क्या होता है, बाहर, इसका मतलब बाहर, इसका मतलब बाहर, इसका मतलब अंदर, लंबवत अंदर, ओके। अब तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बोलो गठेगा कि जुड़ेगा, तो जुड़ेगा क्योंकि दोनों सेम दिशा में, दोनों बोर्ड के तल के अंदर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी मतलब दोनों का जोड़, रिजल्टेंट, तो देखिए बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को मैं क्या लिख दूं,
बी नेट लिख रहा हूं, नेट मतलब रिजल्टेंट टोटल, तो वो क्या होगा, मोड मतलब बी वन प्लस बी टू, बी वन प्लस बी टू। बी वन का मान कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए, इसका आई आई वन, और उसका म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई ए। तो यहां से म्यू नॉट अपॉन टू पाई ए तो कॉमन, क्या बचेगा, आई वन प्लस आई टू। दिशा की बात करें, ये तो हो गया इसका परिणाम। दिशा की बात करें तो यहाँ क्या लगा दीजिए, क्रॉस, और यहाँ वो भी लिख दीजिए टी फोर टेस्ला, मतलब इसका मात्रक टेस्ला, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र दोनों की वजह से लंबवत अंदर की ओर है, दोनों की वजह से लंबवत अंदर की ओर है। समझ में आ गया यहाँ तक, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, क्लियर। अगला भी आसान है, उसमें डायरेक्शन चल जाएगा, क्या होगा, समझ में आ रहा है, आसान आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट, इसी का सेकंड, इसी का सेकंड, तो देखिए इसको रब कर दूं यहां से। ओके, अब सेकंड का बी, सेकेंड का बी, तो क्या दरखा, देखिए इन्होंने बोला है कि वही तार है, बिंदु पी बना के रखा, बिंदु पी से ऊपर का रखा, यानी यहाँ ले रखा। तो देखिए जैसे डायग्राम वैसा बना लीजिए कि ये पहला तार है, ये अनंत लंबाई का तार है, ये पहला तार है, कितने लंबाई का है, अनंत लंबाई का, और यहाँ पे एक दूसरा तार है, कितनी लंबाई का, अनंत लंबाई का, ये अनंत लंबाई का दूसरा तार है, ठीक है, ये अनंत, ये अनंत। बोला है कि ये पहला तार है, ये तार नंबर एक है, इसमें करंट वही जा रहा है, कितना आई वन करंट जा रहा है, इसमें करंट आई वन विद्युत धारा आई बह रही है, और ये दूसरा तार है जिसमें विद्युत धारा आई टू आ रही है, इसमें जो विद्युत धारा क्या देखिए आपको आई टू बह रहा है, और ये बिंदु यहाँ से कोई बिंदु पी है, ये बिंदु पी है जिसकी यहां से दूरी दे रखी है ए, और यहां से भी दूरी दे रखी है ए, और ये बिंदु पी है, तो दोनों तारों की वजह से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, दोनों तारों की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताना। तो क्या करेंगे, वही काम वापस, दोनों की वजह से निकालो, दोनों को जोड़ दो। तो देखिए तार एक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, B1 मान लेते हैं, तो B1 दिशा देख लो, पहले दिशा निकाल लो एक बार, अंगूठा धारा की दिशा में, तो धारा की जा रही है नीचे, तो अंगूठा धारा की दिशा में तो मुड़ी अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, बोलो कहां ही, बाहर, इसकी वजह से चुंबक क्षेत्र का है बाहर की ओर, चलो इसकी वजह से निकाली, दूसरे की वजह से, अंगूठा धारा की दिशा में तो मुड़ी उंगलियां किसको बताएगी, चुंबक क्षेत्र, यानी इसकी वजह से दूसरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, जबकि पहले तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, कोई डाउट, दिशा निकालना आता है, अंगूठा धारा की दिशा में तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, स्वाहा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, दिशा निकाल आ गई। तो देखिए तार एक के कारण, तार एक के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोल रहे अपन, बी वन बोल दे, क्या बोल देते हैं, बी वन बोल देते हैं। तो देखो बी वन का मान कितना होगा, वही अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नोट आई अपॉन टू पाई ए। फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे भैया, बिना फॉर्मूले का काम नहीं चलेगा, म्यू नोट आई अपॉन टू पाई ए। तो देखिए म्यू नोट, इसका आई कितना है, आई वन अपॉन टू पाई ए, इसने ए दे रखा है। दिशा की बात करें, अंगूठा धारा की दिशा में तो मुड़ी अंगुलिया किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कहाँ आ रहा है, बाहर। तो बाहर का संकेत जानते हो, डॉट, क्या होता है, डॉट, यानी बाहर की ओर है। इसी प्रकार तार दो के कारण, तार दो के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोल देते हैं, बी टू बोल देते हैं, भाई बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, टू मतलब दूसरे के लिए, तो बी टू बोलो, क्या होगा, धारा इसकी म्यू नोट अपॉन आई कितना, इसका आई टू अपॉन नीचे क्या आएगा, टू पाई ए। क्लियर हो गया ना, अनंत लंबाई का तार है तो अनंत लंबाई के चालक तार की वजह से उससे लंबवत दूरी ए पर
चुंबक के क्षेत्र निकालने का ये फॉर्मूला होता है म्यूनोट आई अपॉन टू पाई। मैंने किया कुछ नहीं, इसका आई आई टू है, इसका आई आई वन है। अब दिशा की बात कर ले तो अंगूठा धारा की दिशा, धारा इधर जा रही है तो अंगूठा धारा की दिशा में तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। तो बोलो कहाँ जा रही है? अंदर। तो यहाँ पे अंदर को अपन क्या लिखते हैं? क्रॉस। क्या लिखते हैं? क्रॉस। कोई परेशानी इसमें तो आपको नहीं होगी। क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। तो देखिए बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तो अपन क्या बोलेंगे? बी नेट बोलेंगे। तो बोलो बी नेट क्या होगा? अब यहाँ पे डाउट ये है कि भाई घटेगा तो सही, ये तो मेरे को भी पता है घटेगा, लेकिन वन में से टू को घटाऊं कि टू में से वन को घटाऊं, ये कंफ्यूजन है। वन में से भाई घटेगा तो श्योर है घटेगा, लेकिन किस में से घटेगा? तो अपन मान लेते हैं कि आई वन आई थ्री, यदि मान लिया, यदि मान लेते हैं आई वन ग्रेटर देन आई टू, तो बड़ा कौन हो गया? ये वाला। छोटा कौन हो गया? ये वाला। भाई देखिए इनमें म्यू नॉट कॉमन, टू पाई ये भी कॉमन, तो आई पे डिपेंड कर रही है भाई। ए तो फिक्स हो गया ना, दूरी तो फिक्स है ना, और टू पाई वैसे ही फिक्स है, म्यू नॉट वैसे ही फिक्स है भाई, कॉन्स्टेंट है, तो चैन कौन हो रहा है? आई। तो जितनी ज्यादा धारा उतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अपन मान लेते हैं कि आई वन ग्रेटर देन आई टू, तो दूसरे पहले में से दूसरे को बैठा देंगे। क्लियर है बात? पता नहीं कौन सा बड़ा, मान लिया कि अगर ये इससे बड़ा है तो, ये इससे बड़ा है तो, यानी आई वन का मान अगर मान लो चार एम्पियर कि तीन ही होगा, तो बड़ा कौन बनेगा? ये। तो क्या आएगा यहाँ पे? बी वन माइनस बी टू अपन कर लेते हैं, बी वन माइनस बी टू, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? जिधर बड़ा होगा। तो बड़ा कहाँ है? बाहर की ओर। तो इन दोनों का परिणामी कहाँ आएगा? बाहर की ओर। अगर दिशा पूछे तो, सवाल में पूछी नहीं है, अगर पूछे तो दिशा किधर होगी? जो बड़ा जोर वाला आदमी होगा, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, उसकी तो वो खींच लेगा ऐसे कैसे। इन दोनों में बड़ा कौन हो गया? बी वन हो गया ना। किसकी वजह से? आई वन बड़ा होने की वजह से बी टू बड़ा, बी वन बड़ा हो गया। तो परिणामी चल जाएगा जिधर बड़ा होगा, तो परिणामी कहाँ जाएगा? इसकी इसकी दिशा में, और ये किधर है? बाहर की ओर। तो परिणामी इनका बाहर आएगा, डॉट की तरफ, डॉट मतलब बाहर। तो B1 का मान कितना है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई A। B2 भी कितना है? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई A। यहां से म्यू नॉट ऊपर से कॉमन, 2 पाई A नीचे से कॉमन, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A I1 माइनस I2। ये तो आ गया आपका आंसर, ये तो आ गया आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान। अगर दिशा पूछता, अगर दिशा पूछता तो दिशा उधर होगी जो बड़ा होगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? बी वन। तो यहाँ अपन क्या लगा देंगे? डॉट। समझ में आ गया? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपन ने आई वन को आई टू से जब बड़ा माना, मतलब बी वन का मान बी टू से बड़ा हो गया, तो परिणामी उधर जाएगा जो ज्यादा बलशाली होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। तो इन दोनों में पावरफुल कौन हो गया? बी वन। तो इसको बाहर की तरफ, परिणामी नेट जो बाहर आएगी, बाहर की। और ये इसका आंसर। कोई डाउट मेरे हिसाब से बुक में नहीं दे रखा है, उन्होंने दिशा पूछी नहीं, अगर दिशा पूछे भी तो ये क्लियर है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 7.3 आसान है, क्रॉस डॉट ही बताना जो आप कर लोगे। फिर भी अगर आपको आता है तो देख लीजिए, आता तो मत देखिए, नहीं आता तो देख लीजिए, आगे मैं एग्जाम्पल नंबर 7.3 कराऊंगा बस। क्लियर? 7.3 करवाने के बाद एक और आपको दे देंगे, करवा देंगे, एक और करवा देंगे। अच्छा सवाल तो बुक का नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करवा देंगे, दे देंगे आपको सवाल। तो देखिए 7.3 तो देख लीजिए और आगे से और पढ़ेंगे, एक सवाल और करवा देंगे, तो बुक का तो नहीं है और एग्जाम में ऐसा सवाल बोर्ड में तो आता नहीं है, हालांकि आगे कंपटीशन में आप देखोगे तो ऐसे आपको सवाल मिलेंगे जरूर। क्लियर? इसको करा दें यहाँ से। ओके 7.3 पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7.3। तो ये आसान सवाल है, दिए गए चित्रों में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्रॉस एवं डॉट के रूप में लिखिए। 7.3 का पहला सवाल इन्होंने दिया है कि ये कोई तार है या इसको घुमा रखा है, और ये इसमें करंट ऐसे, यहाँ करंट ऐसे, यहाँ करंट ऐसे, तो ये बिंदु P है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के रूप में लिखिए। क्रॉस के रूप में
लिखिए, मतलब अंदर है कि बाहर, अंदर है कि बाहर। तो देखिए, पहली बात, इस तार की वजह से बिंदु P पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि बिंदु P इस तार की, दोनों तार की एक्सीय रेखा एक्स पर है, और एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल सर्कुलर वायर की वजह से होगा, इस वर्ताकार तार की वजह से होगा। अगर पूछता तो पूछा नहीं आता, तो दिशा बतानी है। तो दिशा किसकी? तो अंगुलिया धारा की दिशा में, अंगुलिया धारा इसकी इसकी वजह से 0 है, इन दोनों की वजह से 0 है। पढ़ाई थ्योरी में एक्स पर 0 होता है। तो जो भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल इस सर्कुलर वायर, इस वर्ताकार तार के कारण होगा। तो अंगूठा धारा की दिशा में तो मुड़ी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, यानी यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऐसा होगा। ऐसा मतलब क्रॉस, मतलब कहाँ होता है? अंदर की ओर। या चाहो तो आप दाई हथेली का नियम भी लगा सकते हो, अंगुलियां धारा की दिशा में। अगर आप अंगुलियों को धारा की दिशा में करते हो तो अंगूठा किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। तो देखिए, अगर आप अंगुलियां धारा की दिशा में करते हो, दाएं हाथ की, बाएं हाथ की नहीं है, दाएं हाथ की, ये जो मेरा दाया हाथ है, राइट हैंड है, बायां नहीं है, बायां ये है मार्कर वाला, ठीक है, वैसे राइट से लिखता हूँ, क्लियर? क्रॉस, हाँ, क्या क्या क्या, अंगुलियां किधर? धारा की दिशा में। तो अंगूठा बोलो कहाँ जा रहा है? अंदर। तो दिशा बोलो कहाँ? अंदर। कैसे भी निकाल लो, अगर अंगूठा धारा में है तो मुड़ी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को, अगर आपने अंगुलियां धारा की दिशा में कर ली तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को, क्लियर? कोई परेशानी? यहाँ बोलो कहाँ गया? अंदर। क्लियर है? ओके, कोई परेशानी। अगला सवाल, इसका दूसरा कि एक तार है, इसका ए था, ए है ना, ए दो 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 सवाल बना रखे, दो डायग्राम बना के, ए और बी। बी में क्या है? ये डायग्राम है, तार है, इसमें करंट जा रहा है नीचे, और ये बिंदु पी है, ये बिंदु पी है। बोलो बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा कि बाहर? अंदर होगा कि बाहर? तो कैसे करते हैं जी? अंगूठा धारा की दिशा में तो मोड़ी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को, लेकिन इस बार अंगूठा ऊपर नहीं करना है, किसको देखना है? करंट को देखना है। बोलो करंट कहाँ जा रहा है? नीचे। कहाँ जा रहा है? नीचे। तो कहाँ अंगुलियां कहाँ ही बोलो? आपकी तरफ, मतलब मेरी तरफ, या आपकी तरफ? आपकी तरफ ही जा रही है। बोलो आपकी तरफ मतलब बाहर, यानी बोर्ड से बाहर। तो बोलो क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? बोलिए, आवाज नहीं आ रही। डॉट कितना होगा? डॉट मतलब बाहर की ओर, क्लियर है? अंगूठा धारा की दिशा में तो मुड़ी अंगुलियां किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। कहाँ आ रही है? बाहर। और बाहर का संकेत है ये डॉट, तो ये डॉट के रूप में इसका आंसर। कोई परेशानी नहीं आज तक। अगला सवाल देखिए, जो ठीक ठाक सवाल करवा देते हैं। चलिए इसको रब कर दें यहाँ से, हटा दें इसको। एक दो सवाल बता देते, ये आप होमवर्क, आप एक होमवर्क ये कि ये मान लो कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इसमें आई करंट बह रहा है, और आई करंट कैसे बह रहा है? आई करंट इसमें बहा देते हैं अपन, इसमें मान लो ऐसे, नहीं ऐसे नहीं बहाएंगे, इसमें ऐसे आई करंट बह रहा है, इसमें ऐसे आई करंट बह रहा है, और इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा कितनी है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज में इसमें आई करंट बह रहा है, इसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल के देखना, इसके बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल के देखना, आपको आंसर जो आएगा मैं आपको लिखवाता हूँ, मेरे पास शायद हल किया होगा, हल किया हुआ नहीं भाई, निकाल लेना, ठीक है? जो जाएगा म्यू नॉट 9i/2, 9i/2 ऐसा कुछ आएगा, कर लो ये जैसा उन्होंने वर्ग वाला किया था ना वैसा। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। तो इस तार की वजह से निकाल लेना, इस तार की वजह से निकाल लेना, इस तार की वजह से निकाल लेना। खास बात, ये दूरी निकालनी पड़ेगी, ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो सही कितनी आएगी? साइड a/2√3 आएगी, देख लेना, ये दूरी निकालना, ठीक है? ये दूरी जितनी होगी ये उतनी, ये जितनी ये होगी उतनी ये होगी, उतनी होगी। लंबा दूरी लेते हैं ना, तो केंद्र से सारी ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है किसमें? समबाहु त्रिभुज में। तो आपका होमवर्क, आप ट्राई करके देखना। अगला सवाल मैं आपको करवाता हूँ, अगला सवाल ये है, अगर आपको ये नहीं देखना तो जा सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7.1, 7.2, 7.3 बुक के तो करवा दिए। तो देखिए कि मान लो आपके पास ये कोई तार है, ये कोई तार है जिसमें आई करंट की धारा बह रही है, और यहाँ पर इससे एल दूरी पे कोई बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है, इस बिंदु पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है, क्लियर है? तो कैसे करोगे आप? और इसकी लंबाई परिमित, अनंत लंबाई का नहीं है,
ये परिमित लंबाई का ही है, अनंत लंबाई का नहीं है, परिमित लंबाई का ही है। तो क्या करोगे कि आप सीधा फॉर्मूला करोगे, म्यू नोट आई अपॉन कितना होता है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a। अब यहाँ पे a को क्या l रख दोगे, इंटू में साइन फाइव वन, जो भी मान लो कोण दिया है कि आपको ये जो कोण देखा है यहां से, सुनिए यहां पे l नहीं लिखना है, यहां पे l नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि अपनी तार से लंबवत जो a लेते थे उस तार से लंबवत दूरी लेते थे, ये दूरी नहीं लेते थे, तो अपने कौन सी ये, अपने को ये लंबवत दूरी चाहिए। तो अपने क्या किया, समझ में आ गया ना, अगर इसको हल करना आगे तो हल करवा रहा हूं, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाई। हालांकि इसमें जब किया क्या कि आपको ऐसे बना के ये दे रखा है कि ये कोण है, ये जो कोण है वो है कितना, एक बार बना दूं, आपको ये कोण दे रखा है, मान लो ये कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री, और ये वाला कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री, ये कोण 30 है और ये कोण 60 है, ये आपको सवाल दे रखा है, और आपको बिंदु पी पर चुंबक के क्षेत्र बताना है। क्लियर, तो यहाँ पे एल नहीं रखेंगे, क्योंकि पहली बात जो ए क्या होती है, लंबवत दूरी। तो अपन क्या करेंगे, इस तार को आगे बढ़ाएंगे, इस तार को आगे बढ़ाएंगे, क्लियर, और अपन ये दूरी निकाल लेते हैं, ये दूरी निकाल लेते हैं। तो ये अगर एल है, इसको मैं ए मान लूँ, तो ये अपना ए है, अपना ए तो होगा ना, इस तार को आगे बढ़ा लिया, तो ये लंबवत दूरी भाई, ये लंबवत दूरी, तो ये इस तार से इस बिंदु पी की लंबवत दूरी, तो लंबवत तो ये होगी ना ये वाली। अब इस L का मान, इस A का मान L के रूप में निकाल लो, तो क्या इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में क्या लगा दो, cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा A, कर्ण क्या हो जाएगा L। तो देखिए, तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा 90 के सामने कर्ण, ये हो गई आधार, थीटा के सामने तो लंब, ये आधार ये बनेगा, तो A बटा L, तो यहां से A बराबर L इंटू में cos 30 आएगा, और cos 30 आप जानते हो √3/2 होता है, तो इसका मान आ गया कितना, a का मान आ गया √3 × l/2, √3 × l/2। तो अब क्लियर, अब फिर से आ जाइए, क्या फाइव वन को 30 रख दे भाई, दो कोण है, एक को तो फाइव वन मान लेते हैं और एक को फाइव टू मान लेते हैं, और फॉर्मूले में चिपका देते हैं, क्लियर है। तो बस एक तो गलती होती है, यही नहीं करना है, तो एक कोण इसमें 30 नहीं, एक तो 60 है। अब फिर से सुनिए, जब आपने डेरिवेशन किया था किसी परिमित लंबाई के चालक तार की वजह से, अगर इसकी लंबाई L है, ये एक्स वाई कोई तार था, इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो आपने क्या किया था, एक कोण को ये माना था, एक कोण को आपने इसको फाई वन माना था, इसको आपने फाई टू माना था। तो आपने ध्यान दिया होगा, वहां जब ने डेरिवेशन किया था तो दोनों कोणों को विपरीत माना मापा था, अगर ऊपर वाले को प्लस मापा था तो नीचे वाले को माइनस माना था अपन। तो यहाँ पर कंसेप्ट यही है कि जो कोण है वो इस ओपी लाइन से मापते और इस ओपी के विपरीत मापते, इस ओपी के अपोजिट मापते हैं। तो देखिए, पहला कोण कितना हो जाएगा, 5 to 60 डिग्री, भाई दोनों सिरे भी कवर करने हैं, तार के यहाँ से ये सिरा भी कवर करना है, ये सिरा भी कवर करना है, तो एक तो कितना हो गया 60 डिग्री। अगर आपने इसको फाइव वन मान लिया, अगर आपने फाइव वन को 60 पहले को भाई, अरे कोई बात नहीं, इसको मैंने बोल दो, इसको 2 बोल दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, दोनों को इसको 5 1 माना, इसको 5 2, इसको माना, इसको 2 बोल दो, तो 5 1 अगर आपका 60 डिग्री हो गया तो 5 2 कैसे मापना है, इसके विपरीत, इसके विपरीत मापना है, इसके विपरीत किससे, इस ओपी से, इसके अपोजिट विपरीत, मतलब ये चलिए तार का सिरा कवर होना चाहिए, तो ये आ गया, तार नहीं आया, तार चले 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 तार नहीं आया, आया आया आया, लेकिन ये तो पहले ही कवर हो गया, दूसरा सिरा कवर करना है, तो कहां तक आना है, यहां तक आना है, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो कितना हो गया, यहां से मापना है, यहां से तो कितना हो गया टोटल 360, 360 में से कितना घटा दोगे 30, तो फाइव टू कितना होगा 360 - 30, यानी 330 डिग्री, यानी 330 डिग्री। बस यही सिखाना था कि दूरी लंबवत लेते हैं और कौन विपरीत मापते हैं, दोनों सिरों को कवर भी करना है, दोनों सिरों को कवर भी करना है, बस अब हो गया। अब तो फॉर्मूले मान रखना है, तो देखो b क्या होगा, तो बी क्या होगा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a इंटू में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो म्यू नोट आई तो आई दिया 4 पाई कांस्टेंट, a का मान बोलो कितना है, a का मान है √3 × l/2 इंटू में l/2 इंटू साइन फाई वन, यानी साइन 60 डिग्री
प्लस साइन फाइव टू यानी साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री, दो कहां चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिख दिया आपने 2 μ0 I/4, नीचे 4√3 π/L, 4√3 π/L दो ऊपर चला गया। साइन 60 का मान कितना, √3/2, साइन 330 डिग्री का मान निकालना, नहीं आता है मेरे को भी नहीं आता है, तो कैसे निकाले साइन 330 का मान, कैसे निकाले, कैसे निकाल, देखिए आपने 11th क्लास में बेसिक मैथ पढ़ी होगी, जिसको नहीं पता वो देखिए, करना कुछ साइन 330 का मान निकालना है, तो देखिए साइन आप जानते हो साइन 2π − θ यानी साइन 360 − θ क्या होता है, −sin θ भाई, 2π में से घटाओगे तो कितना आ जाओगे, अगर ये आपका x एक्स है या आपका वाई एक्स है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते, यानी यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, ये होता है, कोई परेशानी, तो 2π एंड 360 में से कुछ घटाओगे किसमें आ गए, चौथे दशमांश में, और चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, जानते ना, A S T C, पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा यानी कोसेक धनात्मक होते हैं, तीसरे में टेन और टेन का उल्टा कोट धनात्मक होते हैं, चौथे में कोस और कोस का उल्टा सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं, इसमें साइन कोसेक धनात्मक, इसमें टेन और कोट धनात्मक बाकी ऋणात्मक, इसमें कोस और सेक धनात्मक बाकी सारे ऋणात्मक, तो यह आएगा ऋणात्मक, तो इसको साइन 330 को सारे फॉर्मूल में आपको नहीं बताऊंगा, आपको मैंने आइडिया दे दिया कैसा है, और ये ऐसे आ रहा है, तो साइन 330 को अपन 360 − 30 लिख दें भाई, 330 को 360 − 30 लिख सकते हैं, लिख सकते ना, तो 360 2π मतलब क्या होता है, ये मैंने रेडियन लिखा है, ये किसमें डिग्री में, तो 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस का साइन 30 और माइनस साइन 30 एंड साइन 30 का मान कितना 1/2, इसका मान कितना क्या माइनस का 1/2, तो यहाँ पर रख दो मान, चलो हल कर दे इसको, तो ये दो से काट दो, कोई मान अपन मान नहीं रखते, या मान रखो तो आप चाहो तो ऐसे भी करते थे, कर सकते थे कि μ0 अपॉन 4π को लिख दो 10^-7, तो 2 × 10^-7 × I × में √3L और यहाँ पे √3/2 − 1/2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आके कट जाएगा, क्लियर है, 2 × 10^-7 यहाँ पे √3L, यहाँ पर √3 × L, लघुत्तम क्या बनेगा √3 − 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा कितना √3 − 1/√3 × 10^-7 − 7 × L, ये लिखा ना 10^-7 √3L, और ये यहाँ पे क्या लिखोगे टेस्ला, क्या लिखोगे यहाँ पे, तो ये आ गया आपका B का मान, टेस्ला B का मान, जैसा निकाल लिया अंगुलिया धारा, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है अंदर की ओर, तो क्या आएगा यहाँ पे क्रॉस, क्लियर है, ऐसा सवाल आए तो यहाँ पे समझाना यही था मेरे को कि जो कोण है वो इससे विपरीत मापते हैं और दूरी ये ध्यान लेंगे कौन से लेंगे लंबा दूरी लेते हैं, ये आपका सवाल हो गया, ठीक ठाक सवाल है, बोर्ड में ऐसा सवाल आए तो आएगा नहीं, वैसे तो मुश्किल है, ऐसे सवाल आ गए आपको, मैं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना बताया था, ओके ठीक है, ओके प्यारे बच्चों धन्यवाद।